चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरवकृते नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्त देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सर्वप्रथम हमारे गुरुपाद पद्म निधलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर चतुर्थी श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म निधलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर चतुर्थी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, गोपियाँ कृष्ण विरह में रो रो करके कृष्ण के चरण कमल को प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए गतकल जो सुन रहे थे बोले प्रणत दे ही नाम सुना बेटा प्रणत दे ही नाम पाप कर सनाम त्रिण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्भुजम कृणु कुचे सुना त्रिंधि क्षयम। इसलिए गतकला श्रवण कर रहे थे बोले प्राण तेही नाम बोले पाप कर्षणम कहते भगवान के चरण में जो शरणागत होते हैं क्या हो जाता है उसको सारे पाप नष्ट हो जाता है। बोले क्यों नष्ट हो जाता है बोले भगवान के चरण में उन्हीं से चिन्ह है। कितना चिन्ह है कितना चिन्ह है उन्हीं से चिन्ह है। कहते हर चिन्ह का अलग अलग महिमा। अगर भगवान के चरण में कहते चक्र है कहते अगर वो चक्र कोई स्मरण करे बोले चक्र क्या करते हैं बोले काट देता है चक्र काट देता है नोट बुक रखनी चाहिए इसलिए चक्र काट देता है। उसी तरह हमारे जीवन में जितने शत्रु अगर चक्र को कोई स्मरण करे कहते सारे शत्रु विनाश हो जाते हैं। और सबसे बड़ा शत्रु क्या कहते हमारी अंदर में वो शत्रु बैठे हुए हैं जो हमारी काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये जो हृदय में बैठे हुए कहते हैं चक्र को स्मरण करने से सब खत्म हो जाते हैं। भगवान के चरण में स्वस्ति स्वस्ति चिन्ह है। स्वस्ति को अगर कोई स्मरण करता है कहते ये हमारे जीवन में मंगल मंगल करता है। कहते भगवान के चरण में कमल है अगर कोई कमल का स्मरण करेगा कमल से जैसे खुशबू निकलती है तुम्हारे जीवन में भी बड़ा खुशबू निकलेगा तुम्हारा जीवन मंगल मंगलमय होगा। भगवान के चरण में यह है गेहूँ जो होता है
यह का चिन्ह है, कहते उसको कोई स्मरण करे, कहते घर में खूब धन संपत्ति आता है, घर में खूब हीरो आए, उसका अगर स्मरण कर तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। कहते भगवान की चरण में अंकुश है, जैसे अंकुश जैसे मतवाला हाथी है, छोटी सी अंकुश, और वो कंट्रोल कर देता है मतवाला हाथी को, हमारा मन भी एक मतवाला हाथी जैसे है, हाँ इधर उधर इधर उधर भटकता है, लेकिन वो अंकुश को स्मरण कर तो कहते हैं वो मन तुम्हारी स्थिर हो जाएगी। भगवान की चरण में पताका झंडा लाग, कहते अगर उसको कोई स्मरण करोगे सारा दुनिया में तुम्हारी महिमा जाएगी, हाँ सारा दुनिया में तुम्हारी महिमा जाएगी। इसलिए कहते भगवान की चरण में उन्हें से चिन्ह है, इसलिए कहते ठाकुर जी की चरण में अगर कोई शरणागत होते हैं बोले क्या होता है, बोले पाप कर्म। कहते भगवान की चरण में शरणागत होने से सब जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाता है, जीवन में मंगल उदय होता है। इसलिए हम लोग गतकल ये सब बात हम लोग श्रवण कर रहे थे, अभी यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, वो अपना टीका में कहते हैं, बोले गोपियाँ कृष्ण के चरण को क्यों चाह रहे हैं, कारण क्या है, बोले कारण यही है चरणों को प्रार्थना करने का। कहते भगवान की चरण कहते हृदय में, हमारे हृदय में जो तुम्हारे प्रति जो काम जो प्रेम है, हैं कहते हमारे हृदय में जो तुम्हारे प्रति जो विरह है, तुम्हारी विरह है, कहते श्याम सुंदर जब तुम अपना चरण को हमारे हृदय में धारण करोगे ना, हमारे हृदय में जो व्यथा है, तुम्हारी जो प्रेम रूपी जो व्यथा है हृदय में धारण करने पर, जैसे तुम्हारी कोई बीमारी है, कोई बीमारी हम क्या करते हैं उसको पर दवा लगाते हैं, कहते हमारे अंदर में भी बहुत बड़ा बीमारी, बोले क्या बीमारी गोपियों के हृदय में, बोले तुम्हारे प्रति जो हमारा प्रेम यही बड़ा बीमारी है, तुम्हारे प्रति प्रेम है। लेकिन वो बीमारी सही कैसे होगा, बोले सही होगा अगर तुम अपना अंग संग प्रदान करोगे, हाँ तुम्हारी चरण को अगर हमारे हृदय में स्थापन करोगे, जो काम तुम्हारे प्रति जो विरह है वो विरह व्यथा दूर हो जाएगा। जब बोले अगर कृष्ण अगर बोलते हैं बोले भैया तुम्हारे हृदय में हम चरण रखें, नहीं नहीं ये तो पाप काम है, मैं अपना चरणों को तुम्हारे हृदय में रख नहीं सकता, मैं तो इतना बड़ा पाप काम कैसे कर लूंगा, अपना चरणों को तुम्हारी बख्य स्थल पर हम कैसे अर्पण करें। तब यहाँ पर कहते बोले नहीं, बोले प्रणत देह नाम, कहते तुम्हारी चरण में जो शरणागत होते हैं, तुम्हारी चरण में जो शरणागत होते हैं तुम क्या करते हो, शरणागत व्यक्ति को तुम रक्षा करते हो, जो तुम्हारी चरण में आएगा उसको तुम रक्षा करते हो। इसलिए पाप की कोई पाप साप पाप नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करो, हैं इसलिए कहते तुम त्रिणाचरानुगम, कहते तुम करते हो क्या, बोले गैया को पीछे 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 पीछे, हैं गैया गैया को पीछे 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 चलते हो, जब तुम गैया को पीछे पीछे चलते हो अगर कृष्ण अगर ये बोले तुम कहते हो तुम्हारी हृदय में चरण को रखने के लिए, बोले नहीं नहीं क्यों, अरे तुम्हारी जो हृदय है ना बड़ा कठोर है, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, ये कठोर हृदय में मैं अपना मेरा चरण तो कोमल है, इसलिए भगवान की जो चरण क्या चरण पद्म, भगवान की चरण पद्म, मेरे चरण तो बड़ा कोमल है, कितने कोमल चरण तुम्हारी बख्य स्थल पर कैसे धारण करूं, बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो गोपियां कहते त्रिनाथ चरार उगम, जब तुम गैया को पीछे 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 दौड़ सकते हो, जंगल में कितने नोकले नोकले पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वहाँ पर कांटा होता है, जब तुम गैया को पीछे 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 तुम चल सकते हो जंगल में, क्या उससे क्या हमारी बख्य स्थल ज़्यादा कठोर है, ज़्यादा कठोर है। इसलिए क्या करो, हमारे हृदय को में अपना चरण को स्थापन करो, चरण को स्थापन करो, क्योंकि तुम्हारी जो चरण है बोले श्री निकेतनम, श्री निकेतन का एक अर्थ होता है कि तुम्हारी चरण श्री मतलब होता है लक्ष्मी, हाँ कि तुम्हारी चरण लक्ष्मी की आश्रय स्वरूप, तुम्हारी चरण
लक्ष्मी भी जिन चरणों को आश्रय ग्रहण करते हैं तुम्हारी चरण, कभी ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है बोले श्री निकेतन, तुम्हारे जो चरण है हैं, तुम्हारी चरण तो शोभा के, श्री मतलब होता है शोभा, निकेतन मतलब होता है जगत में सबसे बड़ा जो शोभा है तुम्हारी चरण कमल है, क्योंकि तुम्हारी चरण कमल को बोले ब्रह्मा शंभु रमा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे। इसलिए यहाँ प्रकृति तुम्हारे जो चरण है ब्रह्मा, ब्रह्मा भी तुम्हारे चरण को वंदना करते हैं, शंभु शंकर जी भी तुम्हारे चरण को प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति मतलब इंद्र भी हैं, और लक्ष्मी तो हर समय तुम्हारे चरण को अपना गोद में लेकर के तुम्हारी चरण की सेवा करते हैं, और गणेशार्चित पद तुम्हारी चरण को ये गणेश आदि सबके सब शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यान, तुम्हारे चरण को निरंतर ध्यान करते हैं तुम्हारी चरण को। इसलिए तुम्हारे जो चरण बोले श्री शोभा की जो परम जो आश्रय व शोभा की चरण है तुम्हारी चरण है, इसलिए बोले श्री निकेतनम। कहते हैं बोले फणी फनार पीतम, अगर कृष्ण बोलेंगे नहीं मैं अपना चरण कम कोमल है तुम्हारी बक्षस्थल कठोर में कैसे रख सकता हूँ तुम्हारी बक्षस्थल, बोले प्रभु फल फणी फनार पीतम, जब तुम्हारी चरणों को फणी मतलब होता है साफ, फण मतलब होता है उसका जो सर है, जब तुम कालिया के सर के ऊपर में अपना चरणों को रख सकते हो या भैया हमारी हृदय में तुम्हारी चरणों को, तुम्हारी चरणों को अपना हृदय में नहीं रख सकते हो, इससे श्याम सुंदर हमारे हृदय में तुम्हारी, हमारे हृदय में तुम्हारी चरण कमल को प्रदान करो, तभी हमारी जो प्रेम की जो व्यथा है तभी ये प्रेम की व्यथा दूर होएगी। तब यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे जो चरण है कहते सिरसी दे ही नाम, कहते यहाँ पर कह रहे हैं श्याम सुंदर हम तो बहुत सारी गोपियां हैं, बहुत सारी गोपियां हैं, कृष्ण अगर बोले भैया मेरे तो चरण एक ही है, चरण दो है, मेरी चरण दो है, और तुम तो सब 100 करोड़ गोपियां हैं, कहीं पर आता है कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में रास किए, कहीं कहीं आता है कृष्ण 300 करोड़ हाँ गोपियों के साथ में कृष्ण रास किए, पर भैया मेरे चरण दो ही चरण हैं और तुम तो इतनी सारी गोपियां हैं, किसके बकरे स्थल पर ये चरण को मैं रखूं हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आता है बोले सिरसी, सिरसी मतलब ये एक वचन, कहते सबका अगर हृदय में नहीं रख सकते हो बोले एक ही हृदय में तो रख लो, अगर एक का हृदय में रख लिया ना बस हम तृप्त हो जाएंगे। फिर कहते कुचेसु, यहाँ जो कुचेसु शब्द आता है बहुवचन, कुचेसु मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब कहते अगर कोई चीज लोभ तुम्हारी हो जाए ना, कुछ चीज में लोभ हो जाए यार ये चीज बहुत बढ़िया चीज है, जब लोभ हो जाए ना उस समय और कोई चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति का कोई चीज को पाने के लिए लोभ होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे मतलब बहुवचन, कहते हैं श्याम सुंदर अगर हो सके तो हम जितने सब गोपियां आए ना सबके हृदय में अपना चरण कमल को, सभी के हृदय में आप अपना चरण कमल को प्रदान करो, कहते ये एक अर्थ है। कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक अर्थ कहते हैं गोपियों की, ये हृदय की बात, उनकी सचमुच से हृदय की बात क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं है? तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तो देखो ये जो गोपियां है ना, कहते जो रति, श्री रूप गोस्वामी कहते रति तीन तरह का रति है, कहते एक है एक है एक है साधारण रति, और एक है सामंजस्य रति, और एक है समर्था रति, इस चीज को समझने की कोशिश करो है। कहते जो कुब्जा की जो प्रेम है ना, ये प्रेम को बताया ये साधारण रति, साधारण रति मतलब क्या होता है, बस अपना जो इंद्रिय तृप्ति अपना जो सुख चाहते हैं, जैसे कृष्ण जब मथुरा में गए और जो कुबड़ी जो कुब्जा थी वो तीन जगह से टेढ़ी थी है, तीन जगह से टेढ़ी थी, इतने में सखा ने कहा कन्हैया थोड़ी चंदन लग जाए ना है, गले में तो माला हो गया,
बड़े सुंदर वस्त्र भी हो गया, पर ये अगर तिलक लग जाए तो आनंद आ जाएगा। इतने में वो कुब्जा कंस के लिए ले जा रही थी, चंदन इतने बोले चिंता क्यों करते हो आगे चलो। आगे गए तो थे कुब्जा को, बोले ओ सुंदरी सुंदरी, बोले भैया मेरे को सोन बोल रहा है सुंदरी सुंदरी, मैं तो तीन जगह से टेढ़ी हैं, तीन जगह से मैं टेढ़ी हूँ, मेरे को देख कर बच्चे सब भाग जाते हैं हैं, लेकिन मेरे कौन सुंदरी सुंदरी बोल रहा है। इतने में देखा कृष्ण बलराम वो इतने सुंदर थे, भले थोड़ी सी हमको तिलक लगा दोगे, भले आपको नहीं लगाऊंगा तो किसको लगाऊंगी। बस उन्होंने बड़े सुंदर कृष्ण बलराम सखाओं को बड़े सुंदर तिलक लगाए। जब तिलक लगा दिए इतने में सखा उनका कन्हैया देख इसने कितने सुंदर हमें तिलक लगा दिया, थोड़ी सी इसको पर तो कृपा कर दो हाँ? देखो तीन जगह से टेढ़ी है, इसको सही कर दो। बोले भैया हम तो जोड़ी बहुत बढ़िया है, मैं भी टेढ़ा हूँ तीन जगह से और ये भी तीन जगह से टेढ़ी, जोड़ी तो बहुत प्यारी जोड़ी है, हाँ मैं टेढ़ा ये टेढ़ी है। बोले ना इसको थोड़ा सही कर दो। इतने में कृष्ण उसको एक प्यार के ऊपर एक प्यार रखा, कमर में एक हाथ रखे, थोड़ी में एक हाथ रख करके एक झटका मार तो पूरा प्लास्टिक की सर्जरी जैसे होता है ना, पूरा उसको एकदम सीधा कर दिया। और भगवान का हाथ हाथ स्पर्श से वो इतने सुंदरी हो गई, इतने सुंदरी भगवान का हाथ का स्पर्श हो गया ना, अपना यौवन को देख करके वो सह नहीं सकी। इसने में कृष्ण के कपड़े को पकड़ लिया, बोले श्याम सुंदर ये सुंदर शरीर आप ही दियो, इसलिए आप ही इसको भोग आप ही कर सकते हो। कृष्ण ने कहा शर्म नहीं लग रहा है, यहाँ पर दाऊ भैया जेठ खड़े हुए और तू कपड़ा पकड़ कर खींच रहे, मुझे अच्छी तरह से दिखा, इसलिए मैं जब कंस के मार करके आऊंगा ना मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए कुब्जा क्या कर रही थी, कृष्ण को कपड़े को पकड़ करके अपना घर में ले जा रही थी। इसलिए ये प्रेम को बताया, ये साधारण प्रेम जो अपना स्वार्थ हाँ अपना स्वार्थ जो चाहती है इसको, दूसरा प्रेम को बताया सामंजस्यारति। सामंजस्यारति मतलब कहती है महिष्यों करते हैं सामंजस्यारति, बोले सामंजस्यारति मतलब क्या होता है इस चीज को समझना बाद में पूछूंगा, ठीक है। कहते सामंजस्यारति मतलब क्या होता है, बोले इसको सामंजस्यारति उसको कहते हैं जिनका कृष्ण का प्रति तो प्रेम है लेकिन ये प्रेम बटा हुआ प्रेम है, आधा और आधा, क्योंकि जब 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 बच्चे हो जाते हैं ना, अब देखना बच्चे होने से पहले पत्नी का जो एकनिष्ठा प्रेम पति को प्रति रहता है वो पति को प्रेम करती है, लेकिन देखना घर में जब बच्चा हो जाए देखना तुम्हारे जो प्यार है किसको प्रति चला जाता है, ज्यादा बच्चे को प्रति चली जाती है। इसलिए पति का प्रति प्रेम तो रहता है लेकिन आधा पति का प्रति रहता है और आधा बच्चों का प्रति हो जाता है, इसलिए प्रेम उसमें बैठ जाती है। इसलिए कहते उनका जो प्रति प्रेम है वो सामंजस्य प्रेम रति है, कहते आधा कृष्ण में और आधा अपना संसार घर गृहस्थी और बच्चों में आधा। लेकिन कहते गोपियों का अंदर में जो प्रेम है कहती ये समर्था रति, क्योंकि इनका अंदर कोई बच्चे नहीं, इन लोगों का जो प्रेम है ना केवल एक अनिष्ठ जो प्रेम कृष्ण का प्रति, और इनका प्रेम और किसका प्रति है ही नहीं। इसलिए ये प्रेम इतना समर्थ मतलब होता है कृष्ण को वशीभूत करने में जो समर्थ है हाँ? तान मन मनस्का उनका जो मन मना भव मत भक्त भव माम जाति माम नमस्कार, कृष्ण कहते हैं ना मन केवल मुझे ही दो, मन 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 मना मत भक्त केवल भक्त मेरा बनो और केवल मेरे को प्रणाम करो और सब कुछ मेरे को सब कुछ करो। कहते इसका प्रमाण कौन है, कहती ये ब्रज की गोपियां इन लोगों ने और प्रेम उन्होंने किसी को नहीं किया। इसलिए कृष्ण जो गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रज अर्जुन, तो सारे धर्म को छोड़ करके मेरे चरण में ही एकनिष्ठ होकर शरणागत हो। बोले किसको अंदर में ये दिखती है, केवल ये दिखती है केवल गोपियों के अंदर में और किसके अंदर में, इसलिए इनका प्रेम को समर्थारति बताया, कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ, क्यों इन लोगों ने सब कुछ तन मन सब कुछ कृष्ण को दिया और किसी को उन्होंने दिया ही नहीं। इसलिए कृष्ण
कथरास लीला में, इसलिए कृष्ण गोपियों के लिए कहते हैं न पार अहम निरबद्ध संजुजाम ससाधुकृत विविधाय साथी। कहते हैं गोपियाँ, कहते ब्रह्मा जैसे परमाई पा करके भी मैं तुम्हारी ऋणी को कभी मैं उतार नहीं सकता हूँ। इतना ऋणी कृष्ण गोपियों को चरण में, इतने कृष्ण ऋणी है। इसलिए यहाँ पर कहते गोपियों के अंदर में थोड़ी सी भी अपना कोई है, कोई अपना कोई भोग की वासना कुछ भी नहीं, इनकी की सबके सब कृष्ण की सेवा में और कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए संपूर्ण बलिदान है। अपना भोग की एक बूंद मात्र भी इनके हृदय में है नहीं। अगर है ही नहीं तो गोपियां कैसे कहती है ऐसे आम सुंदर तुम्हारे चरण अपना मेरे बक्ष स्थल पर रखो, हमारे जो काम है जो प्रेम दूर होगा है, कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाए कैसे क्यों किस लिए ये चाह रही है। उदाहरण दिया जैसे हमारे कोई एक मित्र है, उसने अपना घर में उसको बुलाया, लेकिन हमें पता हमारे जो मित्र है ना ये भोजन प्रेमी है, जानते हो भोजन प्रेमी, मतलब खाने पीने में बड़ा मस्त है, बढ़िया बढ़िया खाना हो, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया खाना उसको बहुत पसंद है। वो मित्र को निमंत्रण अपना घर में दिया, जो मित्र ने जब घर में आया इसको पता है मेरे मित्र भोजन बड़ा प्रेमी है, उसने तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाया, हाँ टप्पू बनाया, पिज्जा बनाया, पास्ता बनाया, हाँ राजवा चावल बनाया, कड़ी चावल बनाए और मटर पनीर बनाए, हाँ और केक बनाया और आइसक्रीम लाए, हाँ इसलिए उसने बहुत तरह तरह का फ्राइड राइस बनाए, हैं तरह तरह का उन्होंने बड़े सुंदर खाना बनाया। इतने में मित्र ने पूछा भैया तू इतने इतने क्यों परिश्रम कर रहे हो, इतने तू खाना क्यों बना रहे हो, इतने क्यों खाना बना रहे हो। लेकिन उसको पता है ना उसको भोजन प्रिय, वो बोलेगा तेरे लिए थोड़ी बनाया मैंने, मेरे लिए बनाया तेरे लिए थोड़ी बनाया मेरे लिए, लेकिन बनाया किसके लिए, उसके लिए बनाया, बनाया उसके लिए, लेकिन बोलेगा क्या नहीं कि तो मेरे लिए बनाया, तेरे लिए थोड़ी बनाया, तेरे लिए थोड़ी बनाया। उसी तरह गोपियों को जो दिखाई पड़ता है ऊपर से कहती है हे श्याम सुंदर तुम्हारी चरणों को हमारी बक्ष स्थल पर रखो, रखने पर हमारे हृदय में जो काम प्रेम की तृप्त होगा नहीं, क्योंकि गोपियां समर्था रहती है। ये लोग जो गोपियां हैं कृष्ण सुख के बगैर कुछ जानते ही नहीं, वो अपना सुख के लिए नहीं कृष्ण की सुख के लिए कहते हैं श्याम सुंदर जब तुम चरण अपना बक्ष स्थल पर देखो ना आनंद तुम्हें होगा, हमें आनंद नहीं होगा, तुम्हारे जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसको बोले, बोले देखो मैं तुमको ना बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, अरे तेरे सिवाय मैं रह नहीं सकता हूँ, एक खेड़ भी तेरे सिवाय रह नहीं सकता हूँ, मैं तो दिन रात तुम्हें ही तुम्हारी याद और तुम्हें प्रेम। अगर किसी व्यक्ति को बोलो ना कभी से पिपरमिंट का जो अगर उसका ढक्कन खोल दो वो उड़ जाती है, जैसे सेंट होता है ना उसका ढक्कन को अगर खोल दोगे वो उड़ जाएगी, उसी तरह अगर हम बोले अरे तुमको बहुत प्रेम करते तेरे सिवाय कुछ, अगर ज्यादा प्रेम ऊपर बोलो ना वो प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेम को जितने छुपा करके अपना हृदय में रखोगे प्रेम की उतना महिमा बढ़ता है, अगर मुंह में बोल दिया तो प्रेम खत्म हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर गोपियाँ जो कह रहे हैं कृष्ण हमारी सुख के लिए, बोले हमारी सुख नहीं हम जो कुछ करते तुम्हारी सुख के लिए ही सब कुछ हम करते हैं। ठीक उसको तो उसको बाद में कहते मधुर या गिरा बल गुबा कया बुध मनो गया पोष करे क्षणम विधि करी रिमा बीरमो होयति राधर सी धुना प्याया स्वनम। तब यहाँ पर कह रहे हो ले श्याम सुंदर
श्याम सुंदर, पहले तो उन्होंने क्या बताए, जैसे किसको कोई बीमारी हो ना, पहले क्या करते हो डॉक्टर, क्या करता है इसका बीमारी हो, पहले उसको कोई दवा लगा देते हैं, दवा लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको खाने के लिए कुछ दवा भी दे देता है, लगाने के लिए भी कुछ दवा देता है और उसको खाने के लिए भी कुछ दवा देता है। यहाँ पर तो उन्होंने तो बोले है श्याम सुंदर तुम्हारे चरण कमल हृदय के ऊपर रखो, बोले हृदय में तो उन्होंने तो दवा तो लगा दिया, अभी कुछ खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, खाने के लिए कुछ रस चाहिए, तो यहाँ पर कह रहे बोले हे श्याम सुंदर तद अधर सीधो नाम पाय अश्वना, इसलिए आपका जो अधर सुधा है ये तुम्हारी अधर सुधा भी हमें पान कराओ, अधर सुधा को पान कराओ, इसलिए कहते मधुरया गिरा, कहते हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो वाक्य है ना बड़ा मीठा है, तुम्हारी वाक्य बड़े मीठा वाक्य है तुम्हारी, मधुर बल गुपाकया बुद्ध मनो गया, इसलिए कहते बड़े बड़े जो विद्वान लोग है जब तुम्हारी वाणी को सुनते हैं ना वो भी मुग्ध हो जाते हैं, इतने तुम्हारी मीठी वाणी, और विशेष करके कृष्ण कभी कभी है, कृष्ण कभी कभी राधा रानी को गोपियों को कभी कभी बोले बोले हे गोपियां, कभी कभी उन्हें राधा रानी को बोले बोले हे राधे, भले तुम वाम भक्त युक्त क्यों नहीं हो और दक्षिण भाव युक्त क्यों नहीं हो, प्रेम दो तरह का है, एक वाम और एक दक्षिण भाव है, एक वाम भाव और एक दक्षिण भाव, प्रेम दो तरह का है, इसलिए वाम भाग मतलब होता है वाम भाग राधा रानी का स्वभाव, वाम भाग, वाम भाग मतलब कृष्ण एक बोले ना राधा रानी दूसरे तरफ, बोले तुम ये तरफ इसी भाव दूसरे काम करेंगे, और दक्षिण भाव मतलब होता है कृष्ण जैसे बोले चंद्र जैसे चंद्रा बोली, दक्षिण भाव कृष्ण जैसे बोले वैसे करे, तो राधा रानी क्या यहाँ विरोध करते हैं, उनको पता है कृष्ण किसमें प्रसन्न है, उनको पता है इसलिए कृष्ण बोलने पर बोले मेरी सेवा की जरूरत नहीं, बोले नहीं मैं तो करूँगी, क्योंकि उन कृष्ण सेवा के लिए सब कुछ करती हैं, इसलिए कभी कभी कृष्ण इसलिए कभी कभी कृष्ण कभी कभी उनको कभी कभी बोले राधा रानी को कभी कभी बोलते हैं गोपियों को बोले हे गोपियाँ, कहते मैं चक्र हूँ और तुम लोग को चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का जो किरण है ना एक चिड़िया होता है चातक, उसका जीवन ही ये चंद्रमा का किरण होता है, इसलिए कभी कभी कृष्ण कभी कभी गोपियों से बोले हे गोपियाँ तुम लोग को चंद्रमा हो, तुम्हारे मुख चंद्र और मैं तो चक्कर हूँ, मैं तो चिड़िया हूँ, जैसे चिड़िया उनकी किरण के बगैर रह नहीं सकते हैं ऐसे मैं तुम्हारे बगैर भी रह नहीं सकता हूँ, कभी कभी कृष्ण राधा रानी को गोपियों को उन्होंने क्या बताए, हे गोपियाँ तुम्हारे जीवन स्वरूप हो, जीवन स्वरूप हो तुम लोग, मैं तुम्हारी बगैर कभी रह नहीं सकता हूँ, इसलिए हमारी जीवन का सर्वस्व तुम लोग, कभी कभी उन्होंने ये सब बात को बताए, और कहते कभी 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 कृष्ण करुणामृत में कभी कभी कृष्ण गोपियों को भी बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण का जो चितवन उनका जो मीठी हंसी कृष्ण की जो बोली, कभी कभी गोपियों को कृष्ण इतने प्रशंसा इतने कभी कभी उनको प्रशंसा की है ना, बोले तुम्हारी जीवन के तुम्हारी बगैर तो मेरा जीवन बेकार है, इसलिए कहते हैं श्याम सुंदर तुम पहले अभी तक तुमने हमें छोड़ कर चले गए लेकिन पहले तुम जो इतनी अच्छी अच्छी बात बताए ना, अभी उस बात को हम स्मरण करते 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 क्या हो रहा है, अभी तुम्हारी उसको स्मरण करते करते तुम्हारी विरह में तुम्हारी विरह में हम व्याकुल हो रहे हैं, बोले पुष्कर है क्या, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि है तेरे चित्तवन नहीं जैसे तीर है और तुम्हारी जो आँख है कैसे बोले कमल आँख जैसे तुम्हारी, इसलिए कहते तुम्हारी जो सतियों की कहते भैया हम तुम बोल रहे हो अधर सुधा को पान कराओ अधर सब में पान नहीं करा सकता, बोले नहीं बोले वीर कहते विधि करी रिमाम फिर वीर मुझी, बोले तुम वीर हो, वीर मतलब क्या है, कहते वीर पुरुष उसको कहते हैं, कहते तुम कहते ना तुम दान वीर हो कर्म वीर हो जो अदय वस्तु
जो असंभव वस्तु को तुम देने वाले व्यक्ति हो, इसलिए तुम हमें अभी अधरा मृत को पान करा दी, हमारे हृदय को तुमने बचाओ। इसको बाद में कहते, इसको बाद में यहाँ पर कहते हैं जो जो कृष्ण जो कथा है, कृष्ण कथा क्या चीज है? कृष्ण कथा बोले तब कथा अमृतम ताप्त जी बना कभी रीत कलमसापम श्रवण मंगल श्रीमदा तत भुवि गृणन्ति ते भोरिदाजना। कभी इस श्लोक में कभी कृष्ण कथा जो है, कृष्ण कथा क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है? तो यहाँ पर कृष्ण कथा सुनने पर यहाँ पर कहते हैं कि सात लाभ होता है कृष्ण कथा। हम कहते हैं ना, अरे कथा सुनने से क्या होता है? हम कथा सुनने के लिए जाए, इसीलिए कथा सुनने के लिए जाए। कृष्ण कथा से क्या होगा? यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, कृष्ण कथा से तुम्हें जो लाभ होगा ना, और किसी चीज को द्वारा तुम्हारी लाभ नहीं होने वाले। इसलिए यहाँ पर कृष्ण कथा की बड़ी महिमा ये श्लोक में कह रहे हैं। बोले कृष्ण कथा क्या है? कहते हैं कहते तुम्हारी कृष्णा भी छोड़कर चले गए गोपियों को। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, अभी गोपियां कृष्ण विरह में बड़े दुखी है। तो कृष्ण विरह में दुखी कहते यही श्लोक को जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा का समय में महाप्रभु जो रथ को खींचते खींचते कौन सा भाव में? बोले राधा रानी की भाव में। राधा रानी की भाव में अभी श्री महाप्रभु कृष्ण को द्वारका से वृंदावन ले जा रहे हैं, हृदय रूपी रथ में बैठा करके। और जाते जाते इतने में महाप्रभु उसी भाव से कहते पुरी में से जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में उसी भाव से महाप्रभु लेट हुए। जब लेट हुए इतने में इतने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद स्वरूप दामोदर, क्योंकि राजा मिलना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, राजा विषय है, मैं विषय दर्शन करना नहीं चाहता, हम विषय से नहीं मिलूंगा। लेकिन भक्त लोगों का क्या इच्छा है? राजा इतना सेवा, भक्तों का बड़ा सेवा करता है राजा, इसलिए सारे भक्त चाहते हैं एक बार महाप्रभु राजा से मिले। अगर भक्त लोग अगर किसको पर में कृपा करते हैं, जरूर वो इच्छा पूरी होता है। जब महाप्रभु लेट हुए थे राधा जी के भाव में, भक्त लोगों ने श्री राजा प्रताप रुद्र को बोले, बोले राज प्रसाद को त्याग दो, त्याग दे करके एक साधारण वस्त्र पहनो और पहन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को सेवा करो। और सेवा करते 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 क्या बोलो, अभी तुम ये गोपी गीत गाओ। जब उन्होंने गोपी गीत को गाते 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 ये जो श्लोक जब आया, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापम, जब उन्होंने ये श्लोक को पढ़ा ना, महाप्रभु का राजा विभाव में विभावित होकर पड़े हुए थे। जब अपने अत्यंत विरह अवस्था में हो, विरह अवस्था में उनको प्राण कौन प्रदान करने वाले? कृष्ण कथा, कृष्ण कथा बोले कृष्ण, और जो कृष्ण कथा उसमें कोई फर्क नहीं, कृष्ण कृष्ण कथा एक ही वस्तु है। इसलिए जब उन्होंने बोले तब कथा अमृतम, क्या तुम्हारी जो कथा ये अमृत है, ये क्या करता है? बोले तप्त जीवनम, जो कृष्ण विरह में उत्तप्त जीवन है, ये अत्यंत विरह अवस्था में जब कोई कृष्ण कथा सुना दे ना, कृष्ण कथा सुना दे, बास हृदय उसकी तृप्त हो जाते, हृदय उसका आनंद हो जाता है, हैं? इसलिए तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभीर विरीर्ण कलमसापम, बास इसको सुन करके तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए। बोलिए कृष्ण कथा को जो देने वाले हैं ना, भूरीदा जना, जगत में सबसे जो बड़ा दानी कौन है जो कृष्ण कथा को प्रदान करते हैं? महाप्रभु इतने खुश हो गए
और उन्होंने आंख बंद किए हुए और उन्होंने श्री प्रताप रुद्र को आलिंगन किया, तो तुमने क्या मेरे को अमृत पिलाया, रस पिलाया तुमने, हैं अमृत तुमने हमें रस दिलाया। इसलिए कि जो इसमें कह रहे हैं हैं, इसलिए कहते हैं कहते हैं श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में अभी हम मरने वाले, तुम्हारी मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारी जो कथा है ना, तो तुम्हारी जो कथा क्या करता है, कहते मरण से तुम्हारी विरह रूपी मरण से कृष्ण कथा किया हमें प्राण दान करने वाले हैं, प्राण दान करने वाला है। इसलिए तुम्हारी जो कथा किया बोले अमृत हैं, बोले क्यों अमृत बताए, बोले कृष्ण विरह में जो तप्त हृदय को जो शांत प्रदान करने वाले। लेकिन ये जो कथा अमृत है, कहते कथा भगवान की कथा अमृत है, बोले अमृत हमारे के नीति शास्त्र में बताया अमृत चार जगह में रहता है, कितना जगह में रहता है, चार। बोले कहाँ कहाँ अमृत रहता है, बोले अवधौ विधौ वधु मुखे हरिनाम निवासे, बोले एक अमृत रहता है समुद्र में, जब देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किया है ना, कहते समुद्र मंथन से ही अमृत निकली है, अमृत निकली, इसलिए अमृत रहता है समुद्र में। लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं बोले नहीं, असली अमृत समुद्र में नहीं रहता, बोले क्यों, बोले अगर समुद्र में अमृत रहता तो समुद्र का पानी इतने नमकीन क्यों, कहते इतना नमकीन क्यों, समुद्र का पानी तो मीठा ही होता, नमकीन क्यों, इसलिए असली अमृत समुद्र में नहीं। बोले दूसरा अमृत कहाँ पर है, बोले चंद्रमा विधु मतलब चंद्रमा। अब देखना दिन भर काम करते हैं, काम करते करते अगर थक जाते हैं, अब रात को सो जाओ, अब देखना सवेरे जब उठो ना शरीर में जान है, फिर शरीर में फिर ताकत आ जाती, थोड़ा विश्राम कर लो, रात भर सो जाते हो, क्योंकि कहाँ से ये चुस्ती आती है, कहाँ से ये ताकत, बोले चंद्रमा से एक दवा निकलती है, अमृत निकलती है। इसलिए वृक्ष में जितनी जीवन शक्ति कहती है चंद्रमा का किरण से, इसलिए अमृत कहाँ पर, बोले चंद्रमा में। लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं भैया असली अमृत चंद्रमा में भी नहीं, बोले क्यों, बोले खाए, अगर उसमें अमृत होता चंद्रमा तो पूर्ण चंद्रमा रहता ना, हर समय पूर्ण, वो पूर्ण नहीं रहता है, पूर्णिमा का तो पूर्ण, लेकिन अमावस्या प्रथमा द्वितीया करते 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 आप देखना जब अमावस्या होता है ना पूरा चंद्रमा खत्म, अंधकार हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए कहते वो अंधकार हो जाता है। इसलिए अगर वहाँ चंद्रमा होता तो फिर तो चंद्रमा हर समय फूल मून रहता है ना, वो रहता नहीं क्यों, बोले तीसरा अमृत कहाँ रहता है, बोले तीसरा अमृत रहता है वधु मुखे, बोले स्त्रियों की अधा मृत में अमृत बताए हैं, कहते जिसको पति लोग पान करते हैं, लेकिन नीति शास्त्र कहता है नहीं वहाँ भी नहीं, क्यों, अमृत पीने पर अमर हो जाते हैं, फिर पति लोग मरते हैं, पत्नी से पहले पति लोग उनका ही राम नाम सत्य हो जाता है, इसलिए वहाँ भी अमृत नहीं। बोले चतुर्थ अमृत कहाँ पर रहता है, वो रहता है हरिनाम निवास, जहाँ सर्प निवास करता है ना, कहते वहां पर अमृत का निवास है, कहते नहीं, बोले क्यों, बोले विषदंत पाता है, कहते अगर वहाँ अमृत हो रहता तो उसका विष दांत टूट जाने पर ना फिर तो कुछ कर नहीं पाता है, और फिर गरुड़ा त्रासा जो गरुड़ का आहार सर्प है, इसलिए वो हर समय गरुड़ को डरता रहता है मेरे खा नहीं जाए, फिर वो डरता है क्यों, इसलिए ये अमृत अमृत तो कहीं नहीं, बोले नहीं अमृत स्वर्ग में रहता है, कहाँ पर रहता है, स्वर्ग में, बोले नहीं वहाँ भी असली अमृत नहीं, बोले क्यों, बोले खिन्न पुण्यम मर्त लोकम, जब देवता का पुण्य खत्म हो जाता है फिर यहीं पर आते हैं, यहीं पर आते हैं आकर के फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकते हैं, बोले फिर अमृत कहाँ रहता है, बोले मुक्ति को भी एक अमृत बताया, कैवल लगी मुक्ति है, मुक्ति को भी एक अमृत बताया, लेकिन भगवान कहते हैं दीयमान अभिन गृह्णति मत सेवक मत सेवन बिना, मतलब मैं भक्तों का मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति को बड़ा घृणा करते हैं, बोले भैया आपने मना कर दिया अमृत अमृत यहाँ नहीं, अमृत
बोले अमृत कहाँ पर है, बोले अमृत केवल एक जगह में है, बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनाना, भगवान की जो शुद्ध भक्तों की कंठ में ही अमृत है, मतलब भगवान की कथा, भगवान की, इसलिए बोले तब कथा मृतम ताप्त जीवनाम कभी विरीडितम कल्म सापम, केवल भगवान की कथा में अमृत और अमृत कहीं नहीं। इसलिए कहते स्वर्गामृत से भी भगवान की कथा में तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या है, कहते जो भगवान की कथा अमृत को पान कर लेते हैं ना, स्वर्ग अमृत उसको सामने फीकी पड़ जाती है, हैं वो अमृत फीकी पड़ जाते हैं। कहते हैं स्वर्ग का अमृत पान करने पर क्या होता है, स्वर्ग का अमृत पान करोगे तो हमारी पुण्य खत्म होता है, पुण्य खिन्न पुण्य पुण्य खत्म हो जाएगा, पहले जगत में गिरोगे तुम, लेकिन कथा अमृत को पान करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, स्वर्गामृत को पान करोगे तो पुण्य खत्म होगा, लेकिन कथा अमृत को पान कर तो पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी। कहते जो स्वर्ग का अमृत पान करते उसमें क्या होता है, उसके अंदर में जड़ काम जागृत होता है, जड़ काम संसार की कामना वासना बढ़ती है, लेकिन जो भगवान की कथा को पान करते हैं उसकी जड़ कामना वासना खत्म होता है, संसार की कामना वासना उसकी खत्म हो जाता है। इसलिए इसलिए कहते जो ये कथा अमृत को दान करते हैं भैया उनको बड़ी सौभाग्यवान हैं, और जो कथा अमृत को जो पान करने वाले हैं, देने वाले जगत में सबसे बड़े पुण्यात्मा और सुनने वाले, कहते भैया वो तो बड़े पुण्यात्मा, वो तो बड़े सौभाग्यशाली है जो भगवत कथा को जो श्रवण करते हैं। सूत्राम तुलदर, इसलिए गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम कृपा करके हमें दर्शन प्रदान करो, हमें दर्शन प्रदान करो। कहती ये एक अर्थ है, लेकिन इसको परमेश्वर जी गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उसमें बहुत बढ़िया अर्थ बताते हैं, इसको हम कल सुनेंगे और क्या बताना चाहते हैं श्री जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर क्यों बताना चाहते हैं और कुछ बात है इसको हम कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तय गौर हरि वो हरि वो हरि वो नितय गौर हरि वो हरि तय गौर हरि वो हरि वो हरि वो नितय गौर गौर ब्रह्मानंदे हरी।